नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। 12 फरवरी को शुक्रदेव मकर राशि में गोचर करने वाले हैं और इसी दौरान लक्ष्मी नारायण शुभ योग बन रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य प्रकाश जोशी जी। प्रकाश जोशी जी, बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी आपको भी और जय माता दी दर्शकों। तो देखिए, लक्ष्मी नारायण का शुभ योग बन रहा है इस बार, और किन राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है इसके बारे में हम जिक्र करेंगे, इसके बारे में हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन कैसा ये प्रभाव रहेगा और कैसा ये शुभ संयोग रहेगा, इसके बारे में हम पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। सबसे पहले हिमकुंद मृणाला बम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम तम भार्गव प्रणमाम्यम, यानी 12 फरवरी को दर्शकों सर्व शास्त्र के प्रवक्ता राम तम भार्गव प्रणमाम्यम, यानी कि जो शास्त्रों के ज्ञाता यानी शुक्रदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है, शुक्रदेव मकर राशि के अंदर आ रहे हैं और वहां पर सूर्य बुध मंगल और शुक्र की युति बनेगी और लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है, यानी 8 राशियों के लिए झोलियां भरने वाला, खुशखबरी लाने वाला ये योग रहेगा। और 12 फरवरी से लेकर और 6 मार्च तक इन 8 राशियों का बहुत अच्छा लाभ इनको मिलने वाला है। लक्ष्मी नारायण योग जो बनेगा उससे इनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो देखिए, लक्ष्मी नारायण का शुभ योग बन रहा है और पहली 8 राशियों पर इसका काफी ज्यादा शुभ योग रहेगा। साथ ही अब हम पंडित जी से जान लेते हैं कि राशियों के अनुसार कैसा प्रभाव पड़ने वाला है और साथ ही कैसी ये राशियां आपको लाभ दिलवा सकती हैं, जातकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पंडित जी बताइए। चलिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं दर्शकों कि 8 राशियों पर तो इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन लक्ष्मी नारायण योग क्या होता है, यानी कि लक्ष्मी का मतलब धन से जोड़ा जाता है और नारायण का मतलब हो गया आपकी कोई ना कोई इच्छा पूर्ति के योग भी बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसे ही 12 फरवरी को शुक्रदेव मकर राशि में आ जाएंगे, वहां पर पहले ही सूर्य बुध मंगल वैसे ही विराजमान है, तो 4 ग्रहों की युति बन जाएगी, वहां पर शुक्र आ जाएंगे तो लक्ष्मी नारायण योग एक्टिव हो जाएगा और उसमें खुश नसीब 8 राशियों में से पहली राशि है मेष राशि यानी एरीज। तो एरीज का देखा जाए तो लक्ष्मी नारायण योग के प्रभाव से जबरदस्त धन का आपको कोई लाभ होगा, नई नौकरी मिलने के आसार आपके बन रहे हैं, भूमि वाहन से संबंधित आपको कार्य में सफलता मिलेगी, भूमि वाहन से संबंधित समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी, घर परिवार के अंदर कोई मांगलिक काम, विवाह शादी का काम, पूजा पाठ का काम के योग बनते हैं। दूसरी राशि के बारे में बात करूं जिसको लक्ष्मी नारायण का प्रभाव मिलेगा वो है टॉरस यानी वृषभ राशि। तो वृषभ राशि में देखा जाए तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ आपको 6 मार्च तक मिलने वाला है, भाग्य से आपको बहुत कुछ चीज़ें प्राप्त होंगी, साथ ही साथ करियर से जुड़ी आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है, आपको बड़ा काम मिल सकता है, माता पिता या किसी परिजन से आपको कोई गिफ्ट या धन लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ 6 मार्च तक जब तक ये लक्ष्मी नारायण योग होगा, नदी पहाड़ों की तीर्थ की आपकी यात्रा के योग भी बनते हैं। तीसरी राशि के बारे में बात करें वो है कर्क राशि। तो कर्क राशि में देखा जाए, इसको कैंसर कहा जाता है, तो नौकरी में तरक्की के आपके योग बनते हैं और 6 मार्च तक धन लाभ के अच्छे योग बनते हैं, धन संबंधी कोई ना कोई आपको खुशखबरी भी मिलेगी और आपकी परिवार के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा के योग बनते हैं, साथ ही साथ शादी विवाह फंक्शन में भी जाने के योग बनते हैं, साथ ही साथ कोई भौतिक वस्तु आपके द्वारा खरीदी जाएगी। भौतिक वस्तु का मतलब होता है कोई कंप्यूटर, कोई लैपटॉप, कोई टीवी खरीदने के आपके योग बनते हैं और दाम्पत्य जीवन के लिए भी या लव लाइफ के लिए भी ये जो युति है बहुत लाभकारी है, शादी के लिए भी उत्तम है, जो कुंवारे हैं उनके शादी के योग यहाँ से बनने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ अगली जो राशि है जिसपे इस युति का प्रभाव पड़ेगा वो है सिंह राशि। सिंह राशि पे देखा जाए तो भाई सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, कोर्ट कचहरी के काम या सरकारी रुका हुआ काम में आपको सफलता मिलेगी, नतीजा पॉजिटिव रहेगा। करियर के लिए देखा जाए तो कुछ ना कुछ तरक्की, पद प्रमोशन के योग लक्ष्मी नारायण युति के कारण आपका बनेगा, नई नौकरी के आपको ऑफर मिल सकते हैं, नई जगह से या पुरानी जगह आप जॉब कर सकें वहां से आपको कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है। अगली खुशनसीब राशि है तुला राशि।
तो तुला राशि पे देखा जाए तो भूमि वाहन के लक्ष्मी नारायण योग होने के कारण आपके भूमि वाहन खरीदने के योग बनते हैं। जमीन संबंधी जो वाद विवाद चल रहा था उसका उसमें सफलता प्राप्त होगी, या जमीन संबंधी जो उलझने चल रही थी या जमीन संबंधी कोई आप निर्माण की सोच रहे थे तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ कोई बड़ी करियर में डील आपको मिल सकती है, कोई बड़ा एग्रीमेंट आपका साइन हो सकता है। परिवार के अंदर भी कोई खुशखबरी, विवाह शादी का काम, फैमिली मेंबर का कोई काम होने के योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ परिवार के साथ में किसी रिश्तेदार की शादी या समारोह में जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। तो देखिए पहली छह राशियों का जिक्र पंडित जी ने किया और पहली छह राशियों के जो जातक हैं उनको बहुत ज्यादा लाभ जो है वो मिलने वाला है इस लक्ष्मी नारायण योग से। अगली राशि का जिक्र कर लेते हैं, मकर राशि, उनको कैसा लाभ मिलेगा वो भी बताइए। देखिए मकर राशि के लिए देखा जाए तो लक्ष्मी नारायण का जो योग बन रहा है, पुराना जो वाद विवाद आपका चल रहा था, चाहे पार्टनर से चल रहा था, लव कपल के अंदर चल रहा था या आपका दोस्तों से चल रहा था, वो खत्म होने के नए रिलेशन जोड़ने के योग बनते हैं। नई मित्रताएं, कई मित्र बनने वाले हैं और करियर में पद प्रमोशन के योग बन रहे हैं। घर के अंदर कोई मांगलिक काम, शादी समारोह का कोई काम होने के योग नजर आ रहे हैं। यानी ये जो लक्ष्मी नारायण युति है ये मकर राशि के लिए भी अच्छी है, उनके भाई बहन माता पिता के लिए भी अच्छी है। अब अगली राशि के बारे में बात कर लेते हैं जिसपे लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव रहेगा, वो है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के लिए ये युति धन के लिए बहुत अच्छी है। कड़ी मेहनत आपको करनी है, आपको अच्छा नतीजा प्राप्त होगा। साथ ही साथ कोई बड़ी डील आपकी तय हो सकती है, कोई बड़ी डील, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपका बन सकता है। काम में जबरदस्त बढ़ोतरी के योग नजर आ रहे हैं। रुका हुआ मार्केट में किसी से धन लेना है, लोन के लिए अप्लाई करना है तो ये समय 12 मार्च के बाद अति उत्तम रहेगा। साथ ही साथ भूमि वाहन खरीदने के भी भाई आपके योग बन रहे हैं। आप बात कर लेते हैं अंतिम राशि यानी आठवीं राशि मीन राशि के बारे में। तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग की युति के कारण आपका अचानक वाहन का योग या यात्रा का योग बन सकता है। अचानक आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। भाई बहन से संबंधित रिलेशन में सुधार होगा या भाई बहन से संबंधित कोई ना कोई उनके पद प्रमोशन या उनके पर्सनल आपको खुशखबरी प्राप्त होगी। साथ ही साथ करियर के अंदर मीन राशि को नया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या करियर के अंदर सीनियर द्वारा नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। सीनियर आपकी तारीफ कर सकते हैं, आपके काम की तारीफ की जा सकती है, बड़े काम में आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो कुल मिला के मीन राशि के लिए भी ये जो गोचर है या जो ये लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है ये लाभकारी है। तो देखिए आठ राशियां जो कि लक्ष्मी नारायण योग इन आठ राशियों पर सीधा असर डालेगा और साथ ही ये असर आपको शुभ फल प्राप्त करवाएगा। लेकिन पंडित जी ये जो आठ राशि के जातक हैं इनसे इस दौरान कोई गलती ना हो जाए, किस बात का ध्यान वो रखें ये भी बताइए। देखिए शुक्र जो है स्त्री का कारक होता है तो हमेशा याद रखना कि जब भी आपको शुक्र से अगर लाभ लेना है तो दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला चीज़, जब भी शुक्र का ट्रांजिट जैसे 12 फरवरी को हो रहा है और ये आठ राशियाँ जो मैंने बताई हैं इनको किसी को परफ्यूम गिफ्ट नहीं देना है किसी को, नहीं तो शुक्र आपका मंदा हो जाएगा। किसी को रुमाल गिफ्ट नहीं देना है नहीं तो आपका शुक्र मंदा हो जाएगा। और तीसरी चीज़, आपको महिला या अपनी माता की या बहन की रिस्पेक्ट करनी है, बल्कि उनको कोई गिफ्ट आप दीजिएगा, उनको कोई साड़ी दीजिएगा, उनकी मनपसंद खाने वाली चीज़ें दीजिएगा ताकि आपका शुक्र और प्रबल हो और अच्छा रिजल्ट दे। तो ये तीन गलतियां जो जिससे कि गोचर में अच्छा इफेक्ट होने के बावजूद भी नल एंड वाइड हो जाता है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता अगर आप ये गलतियां करते हैं, तो ये गलतियां बिल्कुल ना करें, याद रखिएगा। तो देखिए पंडित जी ने आपको बताया कि आठ राशियों का असर कैसा पड़ने वाला है और ये आठ राशियों की जो जातक हैं उनको किस बात का ध्यान रखना होगा ताकि आप अपने सूर्य ग्रह को मजबूत कर सके। ज्योतिषाचार्य जी बहुत शुक्रिया आपका। जय माता दी आपको भी और जय माता दी मित्रों।